सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप वितान पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जूझ पढ़ रहे हैं, जिसमें कल पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि किस प्रकार से लेखक आनंद यादव पढ़ाई के लिए जूझता दिखाई देता है। उसके मन में जो तड़प है पढ़ने की, वो इस कदर हावी है कि वो हर परिस्थिति में पढ़ना चाहता है, जबकि उनके पिताजी दादा जो हैं उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वे पूरे दिन स्वयं गांव में घूमते रहते हैं और लेखक जो आनंद यादव है उनसे वो खेती का काम करवाना चाहते हैं। जो जो पाठ है बेटा, वो डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें एक किशोर के ग्रामीण जीवन का कठोर यथार्थ अंकित किया गया है, जो वास्तविक है उसका जीवन। ग्रामीणांचल में जो युवा बच्चा होता है उसका जीवन दर्शाया है। लेखक कहता है कि उसका मन पढ़ने के लिए तड़पता था, लेकिन दादा की मार के डर से वह कह नहीं पाता था कि वह पढ़ने जाएगा। उसको यह भी विश्वास था कि जन्म भर खेती करने पर भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, यह खेती उनके परिवार को गड्ढे में धकेल रही है। पढ़कर वह नौकरी कर सकेगा और बाद में कोई अच्छा सा कारोबार कर सकेगा। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार की दिवाली के बाद जो एक महीना ईख पिरोने का काम शुरू कर देते हैं उनके दादाजी, और बाद में बढ़िया गुड़ बनाने के चक्कर में यह सोचते हैं कि उनके 3 नंबर के गुड़ को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, यह सोच वे ज़्यादा भाव मिलने के चाहत में अपने कोल्लू को सबसे पहले शुरू कर देते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने ऐसा ही किया, तो हालांकि एक महीने में वो कार्य पूरा हो गया था। एक दिन उसने अपनी माँ से कंडे थापते समय अपने मन की बात कही, तो यह सुनकर के उसकी माँ भी डर गई थी, लेकिन उदासी भरे स्वर में माँ ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि वह उसकी तड़पन को अच्छी तरह समझती थी, पर दादाजी के सामने कहने से भी डरती थी। बेटा, ये पढ़ा और इसके लिए उन्होंने जो दत्ताजी राव का सहारा लिया, दत्ताजी राव जो जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस गांव के, कि क्यों ने उनसे सलाह लेकर के, उनसे बात करके पढ़ाई की बात को आगे बढ़ाया जाए। और यही होता है कि वे रात के समय माँ और बेटा दोनों दत्ताजी देसाई के पास जाते हैं और अपने मन की बात को रखते हैं। उनके मन की तड़प को देखकर दत्ताजी राव हाँ भर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हारे पिताजी घर आए तो मेरे पास भेज देना, मैं उनको अच्छी तरह से समझा दूंगा और कुछ समय बाद आप भी आ जाना। तो ये कहकर के और दत्ताजी राव उनको घर भेज देते हैं और कहते हैं कि तू निडर होकर के सारी बात साफ साफ बता देना। आज हम पढ़ेंगे कि जब उसने कहा कि निडर होकर सारी बात बता देना, तब उसने नकारात्मक जवाब दिया, नहीं जी। किसने दिया ये जवाब बेटा? ये दिया आनंद यादव लेखक ने। मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा बीतते दादा घर पर आए, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादाजी से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी,
तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत में आ जाने पर जरा इधर भेज देना। माँ ने दादा के सामने ये बात रखी जैसे उसने आनंद यादव ने उसको बताया था माँ को कि किस प्रकार से आप वहाँ जा कर के जब दादाजी घर आए तो ये बातें रख देना। तो उन्होंने इस प्रकार से साग भाजी देने की बात कह कर के उनके बाद उनको वहाँ भेजने की बात रखी। अब वो कहते हैं दादा ने धीरता से पूछा कि कुछ काम वाम था, अर्थात कोई काम तो नहीं था, कोई काम बताया उन्होंने? मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ बताया नहीं, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तो रोटियाँ सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज दें ना पहले ही। ठीक है, तो उसने कहा कि तू रोटियाँ बनाओ, तब तक मैं उनके घर होकर आ रहा हूँ। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ, देसाई के बाड़े का पुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, अर्थात उनके घर पे जाना, देसाई के घर पे किसी का बुलावा उनके लिए सम्मान की बात माना जाता था, इसलिए भी तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा, ये कह करके आधा घंटे के बाद माँ ने लेखक को भी भेज दिया और कहा कि चलो रोटी तैयार हो गई हैं, खाने के लिए चलें, और अच्छा कह करके वो चल पड़ता है। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। सरकार यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सरकार हुआ है बेटा दत्ताजी राव के लिए, कि दत्ताजी राव उनकी ही बाट देख रहे थे, क्योंकि उसको पहले दिन बुला लिया था। क्यों आया रे छोरे? उससे कहा कि लड़के तू क्यों आया है? दादा को बुलाने आए हो, भी खाना नहीं खाया है? कि उसने खाना नहीं खाया है, खाना तैयार हो गया है, इसलिए मैं दादा को बुलाने आया हूँ। बैठ बैठ थोड़ी देर, अर्थात उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठने के लिए कहता है। अभी तो आया है वह मेरे पास, अर्थात थोड़ी देर पहले ही मेरे पास पहुँचा है, थोड़ी देर और इनसे बात करने ने दे। जी मैं बैठ गया, क्योंकि वो तो पहले से ही उनकी सारी बातें हो चुकी थी, क्योंकि पहले दिन ही शाम के समय जब उन्होंने कहा था कि जब वो मेरे पास आए तो आधे घंटे के बाद आप भी आ जाना, लेखक को कहा था, और वो पहुंच गया था। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? लेखक से प्रश्न करता है दत्ताजी राव कि तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? उसने जवाब दिया, जी पाँचवीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ, पाँचवीं कक्षा में था, पाँचवीं कक्षा अधूरी छोड़ दी थी और अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादाजी ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। उसने अपनी बात रख दी कि मेरे दादाजी जो यहाँ बैठे हैं आपके पास में, इन्होंने ही मना कर दिया है, और खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, ऐसा कहकर मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है। क्यों रतनपा? अर्थात उसका नाम कह करके क्यों भी, क्यों तुमने ऐसा कर दिया? हाँ जी, फिर तू क्या करता है? अर्थात तू फिर क्या करता है? सरकार ने दादाजी से जिरह करना शुरू कर दिया। जिरह होते हैं तर्क वितर्क बहस, तो सारा इतिहास बाहर निकल आया, जो सारी बातें थी पीछे बीत चुकी थी। इतिहास होता है जो पहले कही गई हो बातें, पहले जो हो चुकी हों उनको, उन बातों को सारा कहना शुरू कर दिया दादाजी ने। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। ठीक है, दादा ने, सरकार किसके लिए आया बेटा, पहले भी आ चुका है ये शब्द, दत्ताजी राव ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाने का मतलब है बेटा उसकी खूब जो है खरी खोटी सुनाना। ठीक है, उनको अच्छी तरह से समझाना। देसाई के मट्ठा जो खेत है उनको छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती
के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। किसने सुनाया बेटा ये सभी बातें? देसाई ने, ठीक है। दत्ताजी राव ने ये सब बातें उसके दादा को सुना दिया कि किस प्रकार से मन लगाकर वह खेत में परिश्रम नहीं करता है, फसल में लागत भी नहीं लगाता है और जो देसी शब्द लुगाई जो शब्द यूज किया है औरत के लिए, उसकी पत्नी के लिए, और बच्चों को काम में जोत कर खुद जो है वो खुले सांड की तरह से, बैलों की तरह, खुला बैल जो होता है बेटा जो गांव में घूमते हैं उनकी तरह से मस्ती में घूमता रहता है और बच्चे का जीवन जो है वो बलि चढ़ा रहा है, ये सब शक्ति से उन्होंने उसको सुनाया उनके दादा को। दादा के हरेक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। दादाजी ने तर्क तो बहुत दिए लेकिन दत्ताजी ने सारे तर्क काट दिए और मुझसे कहा और मेरी तरफ इशारा किया कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर उस पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, अर्थात मास्टर की पूरी फीस भी देना है और कल सवेरे से ही तुझे पाठशाला विद्यालय में जाना है। किसने आदेश दिया ये? दत्ताजी इराव ने। और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान रख, अर्थात अभी 2 महीने जो बचे हैं इसमें तेरा साल खराब भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई में मन लगा। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, अर्थात नहीं पढ़ने भेजा, विद्यालय से जाने से मना किया तो मेरे पास चले आना, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, ठीक है। जितना भी काम तेरे से हो सकता है सुबह शाम, खेती बाड़ी का, घर 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 का, तो आप उस काम को भी करते रहें और पाठशाला में लगातार जाते रहना है, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, अर्थात तू यहाँ आ जाना और मैं तुझे आगे पढ़ाता रहूँगा। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, यहाँ कटाक्ष करता है कि इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए इसलिए कुछ बच्चों को तुम्हें ये पढ़ाना नहीं चाहता और तुम्हारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? दत्ताजी राव के सामने जो दादा ने अपना प्रस्ताव रखा, कहा कि मैंने मना कब किया है, अर्थात दत्ताजी राव के सामने वो भीगी बिल्ली बन करके उस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैंने इस बात इस खेल को पाठशाला जाने से मना ही नहीं किया, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया है, वो बहाना बनाता है कि इसको ये किसी गलत आदत में पड़ गया था इसलिए मैंने इसे पाठशाला से निकाल लिया और अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए इसकी को खेती के काम में लगा दिया। तो अपनी बात को रखने के लिए, अपना तर्क रखने के लिए, ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया कि वह उल्टा ही किस पे, लेखक पे ये आरोप लगाता है कि वह गलत आदत में पड़ गया था। अब प्रश्न किया जाता है बेटा, दत्ताजी राव ने प्रश्न किया कि कैसी आदतें होगी, चाहे जैसी यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कंडे उपले, ठीक है, तो कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, अर्थात अपनी बात रखी, वो चाहे झूठी थी या सच्ची थी, ठीक है, कि उसने बताया कि यह गलत आदत में पड़ गया था और वो आदतें गिनवाई कि कभी कंडे बेचना, ठीक है, उपले बेचना, कभी चारा बेचना, हरा चारा जो होता है, कभी सिनेमा देखना और कभी खेलने जाना, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये कहा कि खेती और घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं था इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। अचानक का मतलब है कि उसके ऊपर सारे आरोप लगा दिए, क्यों रे छोकरे, दत्ताजी राव ने उससे प्रश्न किया कि क्यों रे लड़के, क्या बात है, ठीक है, उससे जो ये ऊपर वाले प्रश्न हैं उनके बारे में ये प्रश्न किया गया था कि क्या ये सच्चा है, सही है या झूठ है। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे, दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते थे, जो ऊपर
प्रश्नों की बौछार उस पे हुई बेटा। उसके बारे में उसने जो जवाब दिया तत्ताजी राव को कि नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। पट्टा पर पैसे लगाना होता है जुआ खेलना, और जुए पे पैसे लगाए थे तो दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते थे। ठीक है, सिनेमा देखने के लिए वो उसे पैसे देते ही नहीं थे, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर गोबर इकट्ठा कर करके माँ से कंडे थपवा लिए थे। ठीक है, उपले बनवा लेते लेता था और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। ठीक है, उन बातों को उन्होंने कुछ मिला जुला करके उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। अर्थात कहने का मतलब कि मैंने भी झूठ और सच मिलाकर ठोक दिया। अर्थात कुछ बातें सच्ची थी उसमें, कुछ झूठी थी, लेकिन जो उसने कहा उसके दादा ने वो भी बिल्कुल गलत नहीं थी। लेकिन यहाँ हम देखना चाहते हैं कि उसने खुद स्वीकार किया है कि वह जुआ खेलने के लिए भी पट्टे पर पैसे लगाना, ठीक है, सिनेमा देखने जाना, कंडे थपवाना और उन्हें बेचना और सिनेमा जाना, इस प्रकार के जो बातें हैं वो सच्ची थी और उसने उसको मान भी लिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास हुआ है कभी, अर्थात ये सब बातें जो ऊपर थी बेटा, सिनेमा जाना, कंडे थपवाना, ठीक है, सिनेमा देखने जाना, या फिर और क्या बताया था बेटा पीछे कि इधर उधर घूमना, ये सभी बातें छोड़ करके दत्ता जी ने कहा कि तुझे अब पढ़ाई में मन लगाना है। नापास अनुतीर्ण होता है जो पास ना हो। तो ये पूछा कि भी क्या कभी आप अनुतीर्ण तो नहीं हुए हैं? तो उसने कहा नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अर्थात केवल परीक्षा में इसलिए नहीं बैठ पाया मैं इम्तिहान में, ठीक है, कि मेरा पाठशाला जाना ही बंद करा दिया था। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। कहा कि भाई अब तू कल से ही पाठशाला जाना शुरू कर दे जी। और ये कहते हुए हाँ में हाँ मिला करके और वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? दत्ताजी राव ने उसके दादा को, उसके पिता को समझाया कि बच्चे की जात है, जाति होती है, बच्चे की आदत होती है, एकाध बार सिनेमा चला गया, एकाध बार सिनेमा देखने, चित्रपट देखने चला भी गया तो क्या हो गया, एकाध बार खेलने में चला भी गया तो भी क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है गलती करना, बच्चे गलती कर ही देते हैं, इसलिए उसका पढ़ना लिखना बंद नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से उसके दादा ने हाँ मिलाई, हाँ जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से ही, ठीक है, उसके सामने ही हाँ भर ली, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधर जाए तो, अर्थात उसमें कुछ सुधार आ गया तो, दादा ने मन मार कर कहा। मन मारना अर्थात असंतोष भाव से उत्तर देना, ठीक है, दादा ने असंतोष भाव से उत्तर ये दिया कि भी कोई बात नहीं, मैं कल से भेज तो देता हूँ, क्योंकि वह उसे पाठशाला में नहीं भेजना चाहता था, लेकिन दत्ताजी राव के दबाव से उसने वहाँ पर हाँ भर ली और कहा कि कल से इसको भेज देता हूँ। एकाध का मतलब है महीना, छः महीना और वर्ष भर में कुछ, एकाध वर्ष, ठीक, एक या आधा वर्ष में कुछ सुधार इसमें आ जाए तो, मन मारकर उसने ये हाँ भर ली। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। अब वो घर आ जाते हैं और घर आ करके जैसे ही वो खाना खा रहे थे तब उन्होंने एक वचन लिया, किससे, लेखक से, कि पाठशाला 11 बजे होती है, पाठशाला का जो समय है वो 11 बजे का, निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, पाठशाला से आते ही उसको खेत पर उपस्थित होना है, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, सुबह के 11 बजे से पहले उसको खेतों में पानी लगाना है, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना है, खेत में से ही सीधा पाठशाला जाना है, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना है,
अर्थात कुछ शर्तें इस प्रकार रखी कि उसको सीधा खेत का काम भी संभालना है और खेत में से सीधा पाठशाला भी जाना है। अर्थात सवेरे जब वो आए तो पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना है खेतों में पानी लगाने के लिए जाते समय, और वहाँ से छुट्टी होकर घर में बस्ता रख कर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना उसको। आगे कहता है कि भाई कुछ वचन, कुछ कस्में, कुछ वादे उसने किए उससे कि 11 बजे से पहले आपको खेतों में पानी लगाना है और जैसे ही पाठशाला ख़त्म हो वापिस खेत में आना है और फिर खेती बाड़ी का काम आपको करना है। आगे कहता है छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख कर सीधे खेत पर आकर घंटा भर घर में बस्ता रख कर के सीधे खेत में पर आकर के घंटा भर एक घंटे के लिए ढोर चराना, पशु चराना, ठीक है, गाय भैंसे जो रखते थे वो उनको चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। अर्थात उससे सारी हाँ भरवाई कि किस प्रकार से उसको खेत का काम भी करना है और पशुओं को भी चराना है, और ये सभी बातें कहा कि समझे मंजूर है क्या, अर्थात यदि ये बातें सभी मंजूर हों तो पाठशाला जाना शुरू कर दे। हाँ, उसने हाँ में हाँ मिलाई, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि अगर ज़्यादा काम हुआ खेत में तो मैं गैर हाजिर अनुपस्थित रह जाऊँगा स्कूल से, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है, क्योंकि वो सारी बातें इसलिए मंजूर कर रहा था क्योंकि उसके मन में पढ़ने की तड़प थी, ठीक है। वो जूझ रहा था अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए, तो वो सभी बातें उस समय पर मान लेता है। मन आनंद से उमड़ रहा था, मन खुशी से भर रहा था, पाठशाला जाने के लिए ललायत हो रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना। फिर उसने दोबारा से, उसके दादा ने इतना कहा कि यदि मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का, अर्थात तो उस पढ़ने लिखने को वह किसी काम का नहीं मानता है, तो इसलिए उसने उन सभी बातों को जो है जो करवाया, हाँ भरवाई उससे, और इसलिए उसने, लेखक ने सारी हाँ भर दी। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन खेत में तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं को चलता हूँ तुझे, हूँ कि नहीं तुझे, अर्थात जिस दिन भी तू खेत में, एक दिन भी अगर खेत में नहीं आया तो गांव में जहाँ भी तू मिलेगा मैं तेरे ऊपर तेरी पिटाई कर दूंगा। कुचलने का मतलब उसकी पिटाई करना, ठीक है, मारपीट करना। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, अर्थात तू पढ़ना चाहता है और इसलिए तो इन बातों को यदि नहीं मानेगा तो तेरी मार पिटाई मैं वहीं कर दूंगा जहाँ तू खेत गांव में मेरे को मिलेगा। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है, ठीक है। बालिस्टर शब्द जो यूज किया है बेटा, वो उसका अर्थ है कि वकील, एक प्रकार से वकील, अच्छी पढ़ाई के लिए पढ़ना, तो वकील तो नहीं बनने वाला। तो दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था, अर्थात दादा बार बार ये सभी बातें मेरे ऊपर थोप रहे थे, धीरे धीरे बता रहे थे, और मैं चुपचाप नीची गर्दन करके अपने खाने में ध्यान लगा रहा था, नीची गर्दन करके सभी बातें सुन भी रहा था और साथ में खाना भी खा रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, अर्थात पाठशाला जाना फिर से शुरू कर दिया मैंने, जैसे तैसे करके सभी बातों को मान करके। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। कहने का भाव है कि 11 से 5 बजे तक जो पाठशाला का समय था, कम से कम गर्मी, सर्दी, हवा, धूप, आंधी, जो भी था, वर्षा हो, भूख प्यास के मारे में इस समय खेतों में कार्य करता रहता था, कम से कम उससे तो पीछा मेरा छूट गया, छुटकारा मिल गया मुझे, उससे पीछा छूट गया उस चक्की की अपेक्षा। उसको एक चक्की मानता है खेती के काम को, क्योंकि वो सभी तरह के जो वातावरण थे, सभी तरह की जो ऋतुएं थी, उन सभी में वह 11 से लेकर 5 बजे तक जो खेती के काम में जुटा रहता था उससे तो पीछा छूट गया था। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, चाहे मास्टर की पिटाई भी कर दे
तो वो पिटाई उसको अच्छी लग रही थी बजाय, ठीक है, चक्की, उस चक्की में पिसने की बजाय मास्टर की छड़ी से को वह अच्छी की मार जो है वो अच्छी लगने लगी थी। उसे मैं मजे से सह कर लेता था, उस मार को वह आराम से सहन कर लेना चाहता था। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ तक ये चैप्टर आपने पढ़ा, तो इसके में से पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ यहाँ तक। और आपको जो प्रश्न लिखना है वो प्रश्न नंबर तीसरा जो आपको नोट करना है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? पढ़ाई लिखाई के बारे में जो लेखक और दत्ताजी राव ने जो पढ़ाई के लिए इतना दबाव बना रहे थे, उनका रवैया ठीक था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर देना है, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है, ईख के बारे में दादाजी के क्या विचार थे? ईख के बारे में दादाजी के क्या विचार थे? ठीक है, ये प्रश्न बेटा पहले भी आ चुका है, पीछे जो पढ़ाया था उसमें, कि ईख के बारे में दादाजी के विचार जो थे वो क्या थे। और अगला प्रश्न है, किस घटना से पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की तड़प जानती थी? किस घटना से पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की तड़प जानती थी? ये 3 प्रश्न बेटा आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। आराम से पहले इस पांच चैप्टर को पढ़ना है। समझा तो मैंने दिया है, फिर भी समझ में नहीं आती हो कोई बात तो मेरे से फ़ोन पे बातें कर सकते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ओके।